हम बनाने वाले हैं बेबीज के लिए ब्रोकली एंड आलू का पराठा। तो ये देखिए, जो मैंने ब्रोकली है इसको बहुत ही फाइनली ग्रेट कर लिया है। एक फ्लोरेट है उसको मैंने फाइनली ग्रेट किया है। साथ में आपने लेना है एक बॉइल्ड पोटैटो। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो पोटैटोज हैं हम उनको मैश कर लेंगे। तो पोटैटो को अच्छे से मैश कर लीजिए, क्योंकि ये बेबीज के लिए हम बना रहे हैं। तो आप इसमें क्या है, मिर्ची नहीं डालेंगे, लेकिन आई विल शो यू कि आप इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी चीज़ें डालेंगे। ये देखिए, मैंने मैश्ड पोटैटो ले रखा है जी। मैश्ड पोटैटो में आप 1 पोटैटो में नियरली हाफ टी स्पून जो है वो आप सॉल्ट का डालेंगे, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी आप ब्लैक पेपर डालेंगे, ये देखिए, थोड़ा सा डालेंगे आप इसमें जीरा पाउडर, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस स्टेज पर जो ब्रोकली है और आलू है उनको आप प्लीज़ मिक्स मत कीजिएगा, एंड आई विल शो यू कि इसका पराठा कैसे बनाना है। ये देखिए जी, जो हमने पराठे बनानी है उसके लिए सबसे पहले आप है जो एक रोटी को गोल बेल लीजिए, ठीक है। अब जो है इसमें हमने ब्रोकली डालनी है, ये रही हमारी ब्रोकली। सबसे पहले जो है इसमें बेस में आप ब्रोकली रखिएगा, ये देखिए, ब्रोकली रखने के बाद जो हमने जो आलू का मिक्सचर तैयार किया था ना जी, वो हम इसमें ऑन टॉप रखेंगे, ये देखिए। अब जो है आप इसको मिक्सचर को रोटी के ऊपर ही ऐसे मिक्स कीजिएगा। इसको अगर आप पहले मिक्स करोगे तो जो ब्रोकली है वो पानी छोड़ जाती है, तो इसको आप रोटी के ऊपर ही रख के ऐसे मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्सअप कीजिए, ये देखिए, ये अब मिक्स हो चुका हुआ है। अब इसमें आप थोड़ा सा देसी घी रखिए। देखिए, इसमें हमने देसी घी डाल दिया। अब हम इसकी एक पॉकेट बना देंगे ऐसे, और इसको पूरा ऐसे एक पोटली की तरह बना के इसको थोड़ा फ्लैट कर देंगे, और इसके ऊपर हम जो है अपना आटा लगाएंगे, और हम इसको फिर बेल लेंगे ऐसे। तो इससे ये है कि जो ब्रोकली पानी नहीं छोड़ेगी और आपकी जो पराठी है वो तैयार हो जाएगी। देखिए जी, बिल जाने के बाद जो आपका पराठा है वो कुछ ऐसा दिखेगा। एज यू कैन सी, इसमें ब्रोकली भी है और आलू भी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, पराठे को सेमी फ्राई करें और इसके ऊपर जो है देसी घी लगाएं। बच्चों के लिए देसी घी का पराठा ही बनाएं, क्योंकि ये उनकी डेवलपिंग स्टेज होती है, तो जितना देसी घी का पराठा होगा उतना अच्छा बनेगा। ये देख सकते हैं आप कैसे पराठा फूल रहा है, ये देखिए, इसको इधर चेंज कर देते हैं। ट्राई कीजिएगा पराठे को लो टू मीडियम हीट पे बनाएं। अगर आप ज़्यादा हाई हीट के ऊपर बनाएंगे तो पराठा जल सकता है, और बच्चों के लिए आपने कुछ ज़्यादा जला हुआ पराठा नहीं बनाना है। तो ये देखिए, इसको साइड को पलटे दोबारा, ये देखिए, ये देखिए कैसे पराठा है जो फूल रहा है। तो ऐसे बनाएंगे तो आपका पराठा है जो प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू जी।